foodies, once again welcome back to my channel Cooking with Sheetu. So my foodies, आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ Bagley's का white oats का review. And my foodies, इस video में मैं आपको oats से related सभी तरह की information provide करूँगी. Like oats के health benefits, इसके nutritional information, इसका dosage, हमें इसे कितना consume करना चाहिए daily routine में. एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके प्राइजेस कितने हैं, इसकी पैकेजिंग कैसे हैं, ऑल अबाउट ओट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन इन दिस वीडियो. सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देंगे. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. सो गाइस, अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड इसकी जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको बैक साइड पे गिवन है, आप देख सकते हैं. और ये देखिए, इसके बिलो साइड में इसके MRP दिया हुआ है, ये जस्ट 105 रुपीज़ का है. एंड ये देखिए, इसके साइड वाइज में गाइज इसके स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स आपको गिवेन हैं कि आपको इसे कैसे बनाना है. इसके साइड में गाइज आपको कुकिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसे आप रीड करके आप इस तरह से बना सकते हैं इजीली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको 2 कप्स ऑफ बॉइलिंग मिल्क लेना है एंड उसमें 1/2 कप बैगरीज ओट्स ऐड करने हैं. एंड 4 to 6 मिनट्स अबाउट आपको मीडियम फ्लेम में उसे बॉयल करना है. एंड अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं. और अगर आपको डायबिटीज़ है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर आपको ज़्यादा शुगर नहीं लेनी है, नहीं पसंद है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं. इधर आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं उसे 2-3 to 4 मिनट अप्रॉक्स. एंड देन गाइस, ओट्स आर रेडी टू ईट. एंड ऑल्सो गाइस, आप गार्निश भी कर सकते हैं जो आपने ओट्स बनाए उन्हें फ्रूट्स नट्स से. एंड रियली गाइज, ओट्स आर वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस एंड इट्स अ वेरी क्विक एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर यू. सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही हेल्दी है. सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके फ्रंट में पैकेजिंग में दिया हुआ है कि ये फाइबर्स में बहुत रिच है, इसमें बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन है और ये वेट को आपको मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. एंड ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में, कम करने में आपको बहुत ही हेल्प करता है. सो आपके लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, आप इसे ईजिली डेली मॉर्निंग पर ले सकते हैं. और ये बहुत ही क्विक कुकिंग वाला ब्रेकफास्ट है, आप इसे बहुत जल्दी, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी भी होगा. एंड गाइस, इसका नेट वेट 500 ग्राम है जो कि आपको साइड वाइज में गिवन है. एंड इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन एंड इंग्रेडिएंट्स भी गाइस आपको साइड वाइज में गिवन है, सो आप इजिली देख सकते हैं. इसमें सॉल्ट, शुगर एंड कोई भी प्रिजर्वेटिव्स गाइस इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं है, ये इसमें गिवन है. सो गाइस, ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी है एंड ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है. इसमें गाइस बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बिल्कुल भी शुगर नहीं है, सॉल्ट नहीं है. सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये, आप इसे डेली मॉर्निंग रूटीन में एज अ ब्रेकफास्ट ले सकते हैं. ये देखिए गाइस, ये आपको बैगरीज ब्रांड का वाइट ओट्स है जो कि आपको देखिए फ्रंट में गिवन है. और ये मेड फ्रॉम 100% होल ग्रेन से बना हुआ है. एंड गाइस, इसमें पर 100 ग्राम में 397 किलो कैलोरी एनर्जी है एंड 14.2 ग्राम प्रोटीन्स हैं, 66 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशंस. एंड गाइस, इसमें फैट का परसेंटेज बहुत ही लो है, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बिल्कुल भी इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, शुगर नहीं है, सो आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है. इसकी फुल न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ये देखिए गाइस आपको साइड में गिवन है, आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं. एंड जो भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं वो सब बैक साइड में आपको गिवन है. बैक साइड एंड साइड वाइज में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, बिलो में आपको प्राइजेस गिवन है एंड साइड वाइज आपको दिया हुआ है कि इसे कैसे बनाना है. इसके फुली कुकिंग इंस्ट्रक्शंस आपको इजीली दिख जाएंगे साइड में. एंड ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको अपर साइड में दिया हुआ है कि इसमें 0 ग्राम शुगर है, प्रोटीन 5 ग्राम है, आयरन 1.5 mg, सो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है. ये होल ग्रेन्स एंड सोल्युबल फाइबर से बना हुआ है, सो गाइस ये बहुत ही हेल्दी है
एंड बहुत न्यूट्रिशियस है। एंड गाइस ओट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है, आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। एंड जैसे कि आपने देखा कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड जैसे कि ये फाइबर से बना हुआ है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं, फाइबर्स का अमाउंट इसमें बहुत रिच है, तो आपकी ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो चलिए गाइस इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर की पैकेजिंग वगैरह सब कैसी है और ये अंदर से देखने में कैसा लगता है। ये देखिए गाइस मैंने इसे ओपन कर लिया है एंड इसकी अंदर से भी पैकेजिंग काफी अच्छी है। ये वेल पैक्ड है, एयर टाइट है, इसमें बिल्कुल भी एयर एंटर नहीं कर सकती है। सो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का है दिखने में। सो गाइस अप्रॉक्स मैंने आपको सभी इंफॉर्मेशन और से रिलेटेड दे दी है और अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कुछ आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूँगी। सो चलिए एक बार सम अप कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों न्यूट्रिशियस है, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है, शुगर फ्री, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्दी है, सबके लिए बहुत अच्छा है जो शुगर स्किप करना चाहते हैं। एंड ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। एंड गाइस इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, सो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रोटीन्स हैं, कई तरह के विटामिन हैं, फाइबर्स हैं, सॉल्युबल फाइबर्स हैं, सो ये आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा। बट गाइस आपको इसका बिल्कुल भी ओवरडोज नहीं लेना है, बिकॉज ओवरडोज किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। एंड ये हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है गाइस, सो आपको एक बार ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। एंड बेसिकली गाइस आप इसे मिल्क के साथ ले सकते हैं एंड इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड गाइस ओट्स से बहुत तरह के डिफरेंट डिशेज भी बना सकते हैं, तो अगर आपको मेरी और भी रेसिपीज चाहिए हो, ओट से रिलेटेड डिशेस चाहिए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको मिल जाए, फ्रेश वीडियो की अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।